खेल साहिब का बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिना ना ही पाए, नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है भक्ति नाई। किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया, किसी ने अंतरिक्ष यानों का आविष्कार किया, बहुत कम है। इसी तरह कुछ ब्रह्मवेत्ता है जो ब्रह्म की प्राप्ति की है, बहुत कम है, बहुत कम। इसी तरह शुद्ध अध्यात्म की तरफ भी लोग हैं, बहुत कम। इस पर साहब ने एक बात कही, लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ है, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार, यानी करोड़ों में भी नहीं कोई, विरला। विरला का मतलब क्या? W आंकड़ों में बोलो, विरला मीन्स नो परसेंटेज, कोई एक। इस तरह अध्यात्म जगत में सबसे टफ, पर जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्व मानते ताते पड़ गयो दूर। अब इसमें आई क्या डिफिकल्टी है मैं बताता हूं। कुछ लोग पढ़ क्यों नहीं पाए? हाँ भाई, हरवंश क्यों? गरीबी थी, परिस्थितियां अलाउड नहीं किया। इसी तरह अध्यात्म जगत में, हालांकि आप भी अध्यात्म जगत में हैं, पर आप एक औसतन पर सत्संगी है, गहन नहीं है, क्योंकि वो आपसे नहीं हो पा रहा है। अब यहां हमने करनी को कभी भी स्थापित नहीं किया है, पर लोग साहब के शब्दों को, साखियों को पकड़कर मुझे उदाहरण देते हैं। जब मैं करनी का विरोध करता हूं तो कुछ लोग कह रहे हैं साहब ने भी तो कहा है, या तो कुछ करनी करें या गुरुपार उतारण हार, किसी दूसरे पंथ के आदमी ने यह बात कही। कबीर साहब भी जब मैं करनी को महत्व तो नहीं दे रहा हूं, सवाल उठा करनी क्या? कुछ कह रहे हैं कमाई करो, हम कह रहे हैं नहीं, कमाई से नहीं। यहां गोस्वामी जी भी एक शब्द कह रहे हैं, यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। फिर एक बात साहब और भी कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंट्राडिक्शन, विरोधाभास वाणियों में मिलता है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, कि तुम कृपा करके ही इस बंदे को छुड़ाओ। ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया
वो साहब किया भयो कबीर कबीर। वाह। अब एक जगह क्या कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। हमें एक पक्ष की तरफ चलना है, हमें कुछ करना है या ये सब ऑटोमेटिक होगा। साहब ने दोनों धाराएं बोली, अभी तुम रूटीन में चलना चाहते हो सतलोक या अर्जेंट। अब ये क्यों डिफिकल्ट है वो बताना चाहता हूं, सुनना। जब तक तुम्हारी तवज्जो दुनिया में लगी हुई है, तुम अंदर की दुनिया में नहीं जा सकते हो, ठीक है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब अंदर की दुनिया में जाने में क्या करना है वो अभी बताऊंगा। ये आज मैं आपको बड़ी रोमांचक आंतरिक अध्यात्म की बात बताऊंगा। अगर आप रूटीन में यानी शरीर छोड़ने के बाद चलना है तो वो रास्ता भी बता दूंगा। इसलिए दोनों वाणियां मिक्स कर दी। संग्रहकर्ताओं ने, उनको ये डिफरेंस पता नहीं था और वो वहां गए भी नहीं है। अंधा अगवा तह पर माही, बहु अंधे तह पीछे जाए। अब यहां साहब कह रहे हैं दोनों रास्ते। पहले मैं आपको जीते जी चलने का रास्ता बताऊंगा, पर उसके स्टूडेंट नहीं मिलते, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि शरीर से छूटने के बाद चलने वाले, उनमें भी क्या है वो सुनना। उनमें 30% लोग रह जाते हैं, उनमें भी बात तो सफा होनी चाहिए ना, 30 से भी ज्यादा रह जाते हैं। ऐसा ही है, वो क्यों रह जाते हैं वो बताऊंगा। जैसे रीनल प्रॉब्लम वाले जो किडनी की प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट कराते हैं, पता है ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशो कितना है वो बताता हूं। 1 साल तक 90% सक्सेस है। दो साल में 85% 15% वो मर जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। क्यों होता है वो सुनना। वो पूरा पूरा परहेज नहीं करते हैं, पूरा पूरा टाइमली मेडिसिन नहीं लेते हैं, खान पान में लापरवाही बरतते हैं, परहेज नहीं करते हैं। इसलिए 2 साल में वो 15% आदमी की जो किडनी है ट्रांसप्लांट की तो भी फेल हो जाती है। 3 साल में 70%, यानी 70% सक्सेस है। 30% 3 साल में फेल हो जाएंगे, 4 साल में 65% और 5 साल में 60% है। यानी 2 आदमी ट्रांसप्लांट कराए उसमें 1 मरेगा। उसके लिए भी क्या हिदायत है, उसे ताउम्र परहेज करना है, नहीं इनफंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में दूसरे के शरीर का अंग डाला है। आपके शरीर के अंदर दूसरे का शरीर का अंग डाला है, तो वो अंग इस बॉडी के नेचर को नहीं स्वीकार करेगा। ठीक वैसा ही जैसे कुछ आदमी
आईसीयू में है। आईसीयू में इसलिए है कि वो उनका रेसिस्टिंग पावर कम है, थोड़ा भी संक्रमण हो गया तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लाइफ सपोर्ट पर है, लाइफ सपोर्ट पर वो है, जिंदा तो है पर श्वास लेने की ताकत भी नहीं है। जिंदा है अभी, श्वास लेने की एक ताकत चाहिए। उनके शरीर के अंदर ताकत इतनी कम हो चुकी है कि वो यूं नहीं कर सकते। आप श्वास लेने के लिए यूं कर रहे हैं, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है, इसलिए लाइफ सपोर्ट पर रखा है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑटोमेटिक पंपिंग से उनके पास में ऑक्सीजन जा रही है, इसलिए जो लाइफ सपोर्ट पर पहुंच गए हैं उनमें 90% चांस नहीं है, 90% वो मरेंगे। जो लाइफ सपोर्ट पर या आईसीयू में, लाइफ सपोर्ट पर हैं, आईसीयू में तो कोई नहीं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं जो फिगर बोल रहा हूं 90%। आप साहब क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि जीते जी वाले कितने कम कैंडिडेट मिलते हैं और क्यों मुश्किल है, और मरकर चलने वाले कौन होते हैं शरीर छोड़ने के बाद, वो कैसे जाएंगे ये भी बताऊंगा। और जो रह जाते हैं वो कौन होते हैं, क्यों रह जाते हैं, ये वेरिएबल फैक्टर है। जब भी मेरे पास कोई फौजी का परिवार या फौजी आता है, बीमार है, पत्नी है या बच्चे हैं, मैं कहता हूं आर्मी हॉस्पिटल में ले जाओ। ऐसा क्यों? वहां आपको बड़ी रियल राय देंगे। बाकी जगह जाओगे तो आपको ट्रांसफर करेंगे कहीं लुधियाना, कहीं कहीं उनकी कमीशन बंधी हुई है, ठीक है, एम आई करेक्ट, है ना, कितनी मुझे पता है। एक यहां नामी था मेरा बेचारा, किडनी का पेशेंट था, तो एक डॉक्टर है इनकी तरह, वो वहां है दिल्ली, प्रोग्राम में मेरे पास आती है। मैंने उनको कॉल किया, इसकी मदद करना, ये अपना है। बोला ठीक है साहब जी, मैं अपनी कमीशन नहीं लूंगी। मैं एकदम चौंक गया, बोला कमीशन? बोला हाँ सर, कमीशन होती है पेशेंट पहुंचाने की। अच्छा ठीक है, बोला वो नहीं लूंगी। अच्छा ठीक है, इसलिए जो यहां से आपको ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं उनकी कमीशन है, यहां से वो पर्चा दे देते हैं, उनकी कमीशन है, वो पक्का जानते हैं। पेशेंट पहुंचने के बाद कहते हैं इस पेशेंट को भेजा है। आज हम इस जमाने में जी रहे हैं, इंसान का जमीर सिर्फ पैसा है। बाप बड़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, भाई भाई से धोखा करता है, बाप बेटे से धोखा करता है। ऐसा क्यों हो गया कि अभी हमारी जीवन शैली, हमारी जीवन पद्धति पाश्चात्य हो गई, इसलिए हमें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ी। पहले जरूरत ही नहीं थी, प्राकृतिक रूप से जीते थे। अब मोबाइल भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, शू चाहिए, वो डॉक्टर शू चाहिए, तो ये खर्चे बहुत बड़े बड़े हो गए। मुझे याद है मैं मिडिल स्कूल तक जब पढ़ा तो मिडिल स्कूल तक थी नीली निक्कर और सफेद शर्ट, हाई स्कूल में थी खाकी निक्कर और सफेद शर्ट, सब स्टूडेंट्स को पहनना है। दुआने की आती थी निक्कर बनती थी और एकाने का बनता था शर्ट, और साल भर की फीस लगती थी स्कूल में दो आने। तो इसलिए, और ये बीमारियों का एक ही कारण, प्रदूषण, इन्वायरमेंट गंदा। तब इतना सुंदर इन्वायरमेंट था, कोई बीमारी नहीं होता था, सब तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट थे। हमें अच्छा भोजन चाहिए, संक्रमित नहीं,
अच्छे भोजन से कोई यूरिया और डाई का नाम ही नहीं था, सब देसी खाद डाल रहे थे। और देसी गाय का दूध सबके घरों में गाय होती थी, खुली जगह इतनी थी, गाय जाकर जंगल में चर के आती थी, गौ चराई इतनी जगह थी, अभी एक इंच नहीं मिलेगी आपको। और अनाज भी अच्छा खाना, सबसे अच्छी बात यह थी कोई फैक्ट्रियां थी ही नहीं, इसलिए प्रदूषण था ही नहीं। अच्छे भोजन से जरूरी हमें अच्छा पानी है, अच्छे पानी से कहीं जरूरत हमें अच्छी आबो हवा की है, उसी दूषित हवा से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी, सर का दर्द होगा, चक्कर आएंगे, बाकी चीज़ होगी, फेफड़े खराब होंगे, तमाम बीमारियां आएंगी। बीमारियां ही नहीं थी, आप मानेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थे, इसलिए खर्चा ही नहीं था, छः छः बच्चे थे, पल जाते थे, वैसे घूमते खाते पीते हो जाता था काम। अभी कितना मुश्किल है, एक छोटे बच्चे की वर्दी मैं बताऊंगा, जिनके साथ में 3 साल का बच्चा है, हाथ खड़ा करें, चलो वो बच्चा जो खड़ा हुआ है पिंक सूट पहने हुए, इसकी मम्मी खड़ी हो जाए, इसका ये तो गुड़िया है, गुड़िया का सर कितने का सूट है ना, 800, ये सस्ता है मामला, वो बेचारी गरीब है मेरी तरह, 5-5 हज़ार रुपये का सूट आता है छोटे बच्चे का, कितने का, वो मृदुल का सूट लाए थे 5 हज़ार में, चौक गया मैं, बोला 2 आना और 1 आना, 3 आने में आज 5 हज़ार रुपये चाहिए। इसलिए आदमी हताश है, एक दूसरे को देख रहा है, और कपड़े अच्छे नहीं तो हीन भावना आती है, पहले विचारों ऊंचे विचार रहते थे, सादगी रहती थी, इसलिए आदमी अभी दौड़ में लग गया, और जो बेचारा थोड़ा सस्ता कपड़ा पहन रहा है उसको हीन भावना से देख रहे हैं, कहते हैं ये तो पिछड़ा है, सेठ जी क्या कह रहे हैं। अब सेठ जी मेरे पास हर महीने में 2 महीने में बोरे भर के कपड़े लाता है, पहने मैं गरीबों को बांटता हूँ, वो इतने कीमती होते हैं, इतने अच्छे अच्छे होते हैं। सेठ जी मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लाते हो ना, वो कोई फटा भी नहीं है, पता है क्या है, थोड़ा पैसे वाले आदमी हैं, करोड़पति हैं, तो वो क्या बच्चे हैं उसको छोड़कर कहते हैं न्यू ट्रेंड जो ब्रांड निकला है। हाँ भाई सेठ जी बुरा नहीं मानना, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, वो बोरे भर भर कर लाते, कोई फटा नहीं होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, वो जो बेचारे गरीब आए हैं यूपी से, इधर से ठंडा है, उनको कोट नहीं है, स्वेटर तो देता हूँ उनको, दे वो खुशी से ले लेते हैं। तो आइए इस तरह मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दो आपके पास दो जरिए हैं अध्यात्म में जाने के, आप फैसला करना। पहला थोड़ा मुश्किल है, पहले संतों ने पहले वाले पर जोर दिया है, अब पहले वाले पर क्या जोर है, क्या वर्डिंग बोले, अब लोगों ने दोनों मिक्स कर दिए, जब दोनों मिक्स कर दिए तो सस्पेंशन शुरू हो गई। पहला वाला जरिया, अगर है शौक मिलने का तो हर हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। अब साहब कह रहे हैं चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में देख अजूबा। कभी कभी आप सस्पेंशन में आ सकते हैं, मुझे पता है क्या मामला है, डॉक्टर को डिजीज अच्छी तरह पता है, आगे उसका क्या परिणाम होगा वो जानता है, जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो उसको पता है आगे क्या बनेगा, हम जानते हैं। पर हमें ये देखना है, बताएं, जब आप कापड़िए के पास जाते हैं ना, तो पहले वो आपके कपड़े देखता है, उसके हिसाब से जान जाता है कि ये कस्टमर कौन सी चॉइस है इसकी, वो पहले आपके कपड़े देख लेता है, ठीक है ना। अगर मोची की दुकान पर जाते पहले आपका शू देखता है, वो देखता है ये किस स्टैंडर्ड का आदमी है, इसकी चॉइस कैसी है, वो इस तरह का सामान दिखाएगा आपको, ठीक है नहीं रूपलाल जी। अगर आप कोट खरीदने जाओगे पहले आपके कोट को देखेंगे कि इस बंदे की लेवल क्या है, वो दिखाएंगे, ठीक है ना, नेचुरल। तो हम देख रहे हैं कैसा आदमी आया है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसकी क्षमता कितनी है, उसको उससे ही तो बात करेंगे ना। तो अभी जो कुछ कुछ आप सुनते हैं बड़े हाई स्कूल हैं उसका रिजल्ट 100% है, वो तो होना ही है, वो 5वीं से जो टॉपर बच्चे हैं उनको एडमिट कर रहे हैं, तो उनका वो तो चालाकी है उनकी,
अरे नॉर्मल और साधारण बच्चे को एडमिट करके रिजल्ट दिखाओ। अब गवर्नमेंट स्कूल में तो बेचारे गरीब बच्चे जाते हैं, तो उनका वैसे भी संसाधन कम है, तो रिजल्ट कम है उनका, वो पहले ही छांट लेते हैं। कैसे छांट लेते हैं सुनो। मैं जब लखनऊ के आम दशहरी आम मशहूर है, तो जब मैं जाता हूँ भोपाल, तो करीब मैं 1-1.5 क्विंटल आम ले लेता हूँ, जो वहाँ 30 रुपये किलो मिलते हैं, भोपाल में वो 50 रुपये किलो मिलते हैं। दशहरी आम की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है देखो, लखनऊ के पास एक जगह है सर, मलियाबाद। वेरी गुड, मलियाबाद लखनऊ से 25-30 किलोमीटर है। वहाँ आम के बगीचे हैं, दशहरी आम, वो ज़मीन आम के लिए मुफीद है। तो एक बाबा था, इतना बड़ा ढेर था, साथ में और भी आम के कई वो थे। आम की मंडी है स्टेशन से 0.5 किलोमीटर, तो मैं किसी से नहीं मंगाता हूँ। दरअसल मुझे किसी का काम पसंद भी नहीं है, सही बात यह है, किसी का भी नहीं। कहेंगे बड़े घमंडी है, वो आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। तो एक इंस्पेक्टर है मेरा शिष्य, उसको साथ लिया मैंने, कहा चलो। पहले वो लाता था, जब वो लाता था ना तो गड़बड़ होती थी। क्या गड़बड़ होती थी, कुछ सड़े होते थे, कुछ दागे होते थे, कुछ पिलपिले होते थे। वो बड़े चालाक हैं, उनको बताएं किस कोने में, ऊपर तो अच्छे अच्छे सजे हैं, किस कोने से कैसा। मैं गया पहले एक के आम देखे, क्या भाव है, बोला 40 रुपये किलो। अब वो सब पर नज़र रखते हैं, कौन ग्राहक कहाँ गया, कैसे आया, मेरे पास आएगा, कैसा है, वो निगाह रखे हुए है, मंडी है ना। तो मैं उसके बाद उसके आम थोड़े मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। फिर मैं दूसरी तीसरी जगह गया, तो एक बाबा था बहुत तेज था, मैं कहा बाबा आम, बोला कितने लेने हैं, यानी उस हिसाब से रेट, मैं बोला 1 क्विंटल, बोला अच्छा। उसने सोचा बड़ा ग्राहक है, 4,000 के आम ले रहे हैं, बोला 40 रुपये, 4,000 रुपये क्विंटल। मैं बोला बाबा सुनो, मैं 4,000 दूंगा, पौने चार नहीं दूंगा, शर्त एक है, मैं बीन कर लूँगा। मैंने क्या बोला, मैं कहा बाबा मैं छांट कर लूँगा, बोला ठीक है। उसने क्या कहा, ठीक है। फिर वो टोकरी देते हैं 50 रुपये में, साहल आमों के लिए क्या देते हैं, तो उन्होंने कहा 4 टोकरी बनेगी आपकी 25-25 किलो की, तो टोकरी का अलग। मैं बोला हाँ अलग दे दूँगा। ये लड़का उसी साइड का आते हैं W, कितने दशहरी आम है आप लोगों के साथ में, पूरे बाग ही आम के हैं, ये वहीं का है लड़का। अच्छा मैं अब वो क्या करता था, मैं छांटता जा रहा था। सुनो, इतने में वो क्या रख रहा था, वो एक रख रहा था, मैं क्या करता था उस पर, एक नज़र मेरी उस पर थी, एक छांटने में थी, मैं वो रखकर उसके वाला नीचे उतर रहा था। सुनो, उसका एक आम नहीं रखने दिया। जब मैंने, यानी एक आम नहीं रखने दिया, और तो रही थी डंडी भी नहीं मारने दिया था, अलग रखते थे। जब पूरे आम छांट के एक कुंटल लिया, उसने बोला आम नहीं देना है। क्या बोला, आम नहीं देना है। मैं बोला बाबा ये कौन सी बात है, आपने तो खुद कहा था ना, देखो अपनी जबान से कैसे पलट रहे हो, आपने ही तो कहा था कि हाँ 4,000 रुपये कुंटल, अब तो मैं आम लूंगा। मैं क्या बोला, जबान हो चुकी है। उसने क्या बोला, बोला भगवान की कसम, वो मालिक की कसम, जिंदगी में तुमसे तेज और अकलमंद आदमी नहीं मिला कभी। ये अपनी बड़ाई नहीं बोल रहा हूं। बोला तुमने मेरे पूरे आमों का सत्यानाश कर दिया। बोला तुमने हीरे उठा लिए, कोड़ियां बाकी रह गई। तुमने ये 10 क्विंटल के ढेर का सत्यानाश कर दिया। जितने भी चमकीले और बड़े साइज के आम थे, तुमने 1 मिनट में छांटे, मेरी चलने नहीं दी,
मैं बोला बाबा सुनो क्यों नहीं चलने दी। बाबा एक बार मैं अमरूद खाने का और आम का शौकीन था, आजकल नहीं था वो। मैं एक रेड़े वाले से अमरूद छांट कर लिए 30 रुपये किलो एक किलो। जब मैं छांट कर लिया, बस गाड़ी ऐसे खड़ी थी, गाड़ी से पैसे लेने गया, उसने लिफाफा भी बांधा। और मैं गाड़ी से पैसे लाया, लिफाफा उसने क्या किया, मुझे दिया। मैं आकर के 30-35 किलोमीटर दूर आश्रम था पहुंचा। जब लिफाफा खोला, एक आम कम से कम 250-300 ग्राम का सड़ा हुआ था। मैं हैरान हो गया। मैं कहा ये तो मैंने छांटा ही नहीं, इसका मतलब उसने 1 किलो का लिफाफा पहले ही बांध कर रखा था। आदमी इतना तेज है बेईमानी के लिए, इसलिए तुम्हें आँख खोलनी होगी हर जगह। हम बेईमान नहीं हैं लेकिन बेईमानी पकड़ रहे हैं ना। मैं बोला बाबा इसलिए आपने कई खराब आम डालने की कोशिश की, मेरी आपकी जबान थी, आप तकड़ी पकड़े हुए कम है, तो आप क्या कर रहे थे, मेरा अच्छा वाला उतारने के बाद कह रहे हैं नाप पूरी करनी है। मैं बोला बाबा सुन, जितना ज़्यादा हो रहा है बटा रख, अगर 100 ग्राम ज़्यादा 100 ग्राम बटा रख, इसको नहीं उठा, तू इतना सा रख रहा है, नहीं रखना किसी भी साइड से, उसको मैं हिलने नहीं दिया। तो आइए बंधु आगे चलते हैं, हमें देखना है आप किस लेवल के हैं। अगर आपको जीते जी चलना है तो वो सुनो। यहां साहब क्या कह रहे हैं, लाखन मध्य को कहे, लाखों में नहीं मिलता है, ठीक है, ये साहब बोल रहे हैं। कोई कोटिन माँ है, करोड़ों में। फिर क्या कह रहे हैं, कोटिन मध्य को कहे, अरे करोड़ों में भी कौन कहे, है कोई बड़ला, कोई बड़ला होए, कोई कोई एक। अब सुनो, जिसे जीते जी चलना है उसके लक्षण बताता हूं। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। और साहब क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है फिर इस तरह रहना, रात दिन उधर ही पूरी तवज्जो हो, इधर नहीं। फिर कह रहे हैं कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इंसान की तवज्जो जिससे अंदर की दुनिया देख रही है, रात दिन माया में घूम रही है। इसलिए साहब कह रहे हैं जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। अब यहां पर अब देखो कंट्रडिक्शन क्यों हो रहा है। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, अब आप भी हीन भावना आएगी, आप घबराएंगे, मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा हूं, कैसे पारूंगा, ऐसी शंकाएं आपके दिल में कई बार आती रहेगी, इसलिए उसका निराकरण कर रहा हूं, वो समझना। अब क्या हो जाता है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब यहां जो प्रायोरिटी में जो फास्ट चलने वाले उनके लिए रास्ता क्या है, डोगरा साहब सुनना, सुमरण से मन लाइए, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। यानी अपनी भूल तवज्जो, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। पांव और पलक की आरती कौन सी, आरती रैन दिन संत गावे। अब मैंने तो आपको दोनों फार्मूले बताने हैं, पर मेरी प्राथमिकता किसमें, जीते जी चल, आगे खतरा है। मेरी प्राथमिकता किसमें है, जीते जी चल। संतो जीवत ही कर आशा,
अब साहब क्या करें, वाह यार क्या गजब टैलेंट था कबीर साहब का, न भूतो न भविष्य थे। संतो जीवत ही कर आशा, अगर अपनी मोक्ष रिजर्व करना चाहे तो जीते जी पहुंच, उसमें खतरा नहीं है। मुए मुक्ति की राह बतावे सो गुरुदेव झूठा विश्वासा, संतो जीवत ही कर आशा। आपके लिए दोनों ऑप्शन बता देता हूं, बस पकड़ लेना। इसलिए जैसे आपकी अगर टिकट कंफर्म है तो भैया कोई आपको रोक नहीं सकता, आपकी बर्थ मिलना ही है, वेटिंग है तो झंझट है, ठीक है ना, वेटिंग है तो झंझट है। तो भाइयों आइए, इसलिए जीते जी हमने अंदर की दुनिया किससे देखना है, आंतरिक आंख से। वो आंतरिक आंख कहाँ है, आपके ध्यान में है, अभी उसी आंतरिक आंख से आप ये दुनिया देख रहे हैं, ठीक है, दुनिया समझ रहे हैं। जब तुम्हारी पूरी तवज्जो दुनिया के अंदर है और दिन भर यही हो रहा है तो फिर तुम अंदर में बैठोगे तो थककर सो जाओगे, ठीक है। इसलिए यहां त्याग की जरूरत पड़ी, इंद्रियों के दमन की जरूरत पड़ी। ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी सांसा और लगती नहीं भूख और प्यासा। जो मैंने आपको बोला ना, इतने इतने दिन भोजन नहीं किया, इतने दिन सांस नहीं लिया, वो यही चीज थी, तत्वों को नियंत्रित करना। ये काफी टफ है, मैं तो ऐसे आदमी की तलाश में हूं। जैसे आप बेटे की तलाश में हो, ताकि मेरा कमाया हुआ धन ये ठीक से देख सके, इस तरह एक महापुरुष, एक अध्यात्म बेटा अपना सिलसिला जारी रखने के लिए एक योग्य वर शिष्य की तलाश करता रहता है जिंदगी भर, अदरवाइज वो पूरा मामला चौपट हो जाएगा। कामी क्रोधी आलसी, इनसे भक्ति न होए। अब साहब क्या करें, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण सब खोए। इसमें मन को कंट्रोल करना, बुद्धि को कंट्रोल करना, चित्त को कंट्रोल करना, ब्रीथ को कंट्रोल करना, सब चीजों को कंट्रोल करना ये पड़ता है। ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। अपनी ब्रेन, अपने ब्रेन पर, अपनी सभी चीजों पर कंट्रोल करना कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, पहले ये मन को ये पसंद नहीं है, मन चंचल है, आप इंद्रियों का निग्रह करोगे मन पसंद नहीं करेगा। आप साधते हो कोई स्त्री देखी, ठीक है, अनचाह है आपकी नजर उस पर क्यों गई, सुंदर रूप चक्षु की पूजा, दूसरा आदमी खाना खा रहा है तो आपकी नजर पड़ी, आपके मुंह में पानी क्यों आने लगा, आपका मुंह डिमांड करता है हमें भी खाना है, बस उसने पहले ही खाने के लिए रेडी हो गया। पांच सखी पीहू पीहू करते हैं भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। इस तरह पहले ये बहुत मुश्किल लगता है, ऊब लगती है, उस समय मन कहेगा सो जाए यार, अभी काफी टाइम है जिंदगी का, अभी क्यों लग रहे हो, नींद आ रही है, कल काम करना है, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। वो बहुत पढ़ाता है अंदर से, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पढ़ाता है, कहता है बाद में देखा जाएंगे, तो भजन बीतल जात घड़ी। धीरे 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 वो आपका टाइम पास करना चाहता है, क्यों, आपको नहीं चाहता ईश्वर तक जाओ, अगर आप ईश्वर तक गए उसके लिए सरदर्द हो जाएगा, न जाने कितनों को निकल लोगे। अब उदाहरण के लिए देखो, मैं करीब मोर देन मिलियन लोगों, 11-12 लाख लोगों को, तो उसको ये मुश्किल है ना, वाह बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है, उसमें ज्ञान भूमि के बीच लगतना भूख और प्यासा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जब आप पूरे सुमरण में आ जाएंगे पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, आपकी गाड़ी रुकी है क्या फ्यूल कंज्यूम होगा, आपकी गाड़ी रुकी है तो क्या बैटरी डिस हो जाएगी, नहीं होगी, हो गई, खैर बैटरी की अलग बात है, थोड़ा बहुत वो कम हो सकती है,
पर रियल अच्छा आपके टॉर्च में सेल है, आप नहीं जला रहे, क्या सेल खत्म हो जाएंगे, होंगे क्या? जब जलाओगे ना, अगर आप समाधि में पहुंचते हैं उसके बाद शरीर की एनर्जी आपकी स्टॉप है, ऑन होल्ड किया है आपने। मैं आपको बताता हूं, कुछ समय पहले रसिया साइबेरिया में कुछ बुद्धिस्टों का बॉडी मिली है, जिसको वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कम से कम 1000 साल से ज्यादा पुरानी है, नेट में देख लेना। जिन्होंने देखा, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, वो इस मुद्रा में भी थे बैठे हुए पद्मासन में, 1000 ईयर हो गया था। आप बॉडी में रिटर्न भी आ सकते हैं, एक कला है। इसलिए भजनानंदी को 24 घंटे के बाद ही संस्कार करना चाहिए, सडन नहीं करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया गोष्ठी में। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हराया, मंडन मिश्र उदास हो गया, सबसे बड़ा विद्वान था। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा, मैं शंकराचार्य को हरा के, तू क्यों उदास हो? शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी था, जब गोष्ठी करते करते शंकराचार्य की पत्नी ने, मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य से प्रश्न पूछा, रति आनंद का बताओ कैसा होता है, यानी सेक्स आनंद। उसने कहा, ओ ये देवी, मुझे इसका अनुभव नहीं है। ब्रह्मानंद के बाद बोलते रति आनंद है, फर्स्ट ब्रह्मानंद, उसके बाद बोलते हैं दुनिया में रति आनंद है। जितनी भी इंद्रियों के आनंद है उनमें से सबसे ज्यादा रति आनंद है, इसके लिए इंसान पागल घूम रहा है ना। बोला, हे देवी, मैं इसका उत्तर तुम्हें 6 महीने बाद दूंगा। शंकराचार्य ने किया, राजा अमरु, वो मंडन मिश्र था, जो पंडित था उसका नाम था मंडन मिश्र, राजा अमरु शरीर छोड़ने वाला था। शंकराचार्य ने अपनी शरीर छोड़ी, ये शास्त्रों में भी है, और अपने शिष्यों को कहा, मेरी बॉडी तेल में रख दो, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा इसमें। फिर अगर आपको इसकी शंका है तो मैं लिखित दिखाऊंगा। और यही बात शुकाचार्य की भी है, जो योगा वैशिष्ट में है, सुनना। तो क्योंकि तेल बॉडी को प्रिजर्व करता है, आप आम काट के रखना खराब हो जाएगा ना, गुरबचन 24 घंटे में, गोभी लेकिन तेल में डाल के रखते तो 2-2 साल, मेरे पास 2-2, 3-3 साल पुराना अचार है भाई। गाजर कितनी देर रह सकती है, थोड़ी देर में उसका पानी निकल जाता है, पूरी सुकड़ जाएगी, लेकिन गाजर का अचार मेरे पास अभी भी 2 साल पुराना भी है। तेल उसको अच्छा प्रिजर्वेशन है तेल, इसलिए कह रहा हूँ तेल मत खा ज़्यादा, वो हजम ही नहीं होता है, आपकी टूल से पास हो जाएगा, यूरिन से पास हो जाएगा, आप तेल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए अंग्रेज लोग इतने चालाक हैं कि वो बॉयल खाते हैं, ठीक है, वो ऑयल का यूज ही नहीं कर रहे हैं। आपका स्टोमक इसको कभी भी अब्सॉर्ब नहीं, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए चिकनी में हमेशा चिकनाई के लिए मना करता हूँ। तो आप देखो, लहसुन डाल लो, मेरे पास कम से कम 2 साल पुरानी लहसुन का अचार है, आम का अचार है, वो ऑयल जो है सरसों का शुद्ध तेल हो वो प्रिजर्व कर देता है। तो इसलिए कहा, मेरी बॉडी ये तेल के अंदर रख दो। शंकराचार्य की बॉडी तेल के अंदर रखी, राजा अमरु शरीर छोड़ने वाला था, शंकराचार्य राजा अमरु की बॉडी में चला गया। और इस तरह काफी समय वो रानी के साथ में रहा और रति अनुभव लिया सेक्स का। बाद में राजा अमरु की पत्नी जान गई, ये मेरा पति नहीं है, इसकी हरकतें इसकी क्रियाएं मेरे पति की तरह नहीं है। पुराना जमाना था, लोग इन चीज़ों को जानते थे, राजा भोज के पास भी ये कला थी, सौली बॉडी से निकलकर दूसरे में चले गए।
वापस आया फिर जैसे रानी को शक हुआ फिर वो भी चलाया तो वो अमरू की देही वहीं खत्म हो गई। जब वापस आया तब उसको मंडन मिश्र की पत्नी को कहा, हे देवी ये सिर्फ जो भुक्त भोगी है वही समझ सकता है, बाकी ये वाणी में नहीं आएगा। मंडन मिश्र अपना शंकराचार्य ने उनकी पत्नी को ये बोला, सुनिए कहने का मतलब है इस तरह बर्फ में भी बॉडी प्रिजर्व होती है। शिव जी इसलिए जो चार युग की समाधि इसलिए कैलाश पर्वत पर रहे। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, मैं 71 में लद्दाख में था तो हमारे नजदीकी एक जगह पर 62 ऑपरेशन में शहीद हुए 7 जवानों की डेड बॉडी निकली, ठीक है, जो की त्यों थी। आप नहीं देखते, आप फ्रिज में रख देते हैं ठंडक के कारण से, वो आम इतने दिन रहता है, अमरूद इतने दिन रहता है, सभी चीज रह जाती है। इसलिए शिवजी चार युग की समाधि करता है, इसलिए कैलाश पर्वत की हाईएस्ट चोटी पर वो वहां बॉडी को नुकसान नहीं होगा निकल के जाने के बाद। यही शुकाचार्य की बात भी है, योगा वशिष्ठ में आता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आदमी ध्यान अवस्था में चला जाता है तो इस बॉडी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ज्यों की त्यों होगी जितने दिन उस अवस्था में रहेगा। उसको ना ऑक्सीजन की जरूरत है, कंप्लीट होल्ड हो गई, वो होल्ड हो जाती है बॉडी, उसे पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भोजन की। ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। अभी कोई मुझे कहेगा कि अभी करके दिखाओ, सुनो फिर कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर ये भूलना पड़ेगा पहले कि रांझड़ी भी आश्रम है ना, मेरे कोई शिष्य भी हैं, क्योंकि चित्त को कंट्रोल करना होगा तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा तुम कौन हो, ठीक है ना, तो मैं ऐसा करूंगा क्या, नहीं करना ना। वैसा ही है, एक आदमी आया मेरे पास, बोला महाराज जब आप शून्य में चले जाते हैं तो शरीर का दुख सुख नहीं मिलता है, लोग आपके भी कहते हैं, तो हम सुई लगाएंगे आपको, देखेंगे दुख होता है या नहीं। मैं बोला नहीं, मैं तुम्हें सुई लगाना परमिट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा वो सुनो, मैं अपने शरीर को प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहता हूं। तुम जाकर किसी को कहोगे कि भाई वाह महाराज को मैंने सुई लगाई, बोला ही नहीं, दूजा तुम हमसे बड़ा बदतमीज आएगा, वो रजाई सिलने वाली मोटी सुई लाएगा, वो मेरे शरीर में डालेगा, उससे बड़ा बदतमीज आएगा सुवा लाएगा बोरी सिलने वाला, वो लगाएगा, धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर छत व्यस्त हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। ये टेक्निकल चीज है, मैं आपको टेक्निकली बताता हूं, तुम समझदार हो तो समझ जाओगे। क्या न्यूटन अंतरिक्ष में गया, गया क्या, पर धरती 7.5 डिग्री पर झुकी हुई है और इसकी दो गतियां हैं ये बता के गया, सबके ब्रेन में सेट कर दिया कि नहीं, ये भी दिखाना है। ये किससे दिखाया, ये भी फिजिकल दिखाया, आपके ब्रेन को दिखा दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बताता हूं क्या होता है, मैंने इसका जिक्र कई बार बोला, मैं जानता हूं जब मैं ये बात बोलूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, सभी चीजें प्रैक्टिकल करना है क्या, अरे फा लगा के आदमी मर जाता है, जो मर गया उसको देख लो ना, या खुद उस लटक कर देखोगे, खुद लटक कर देखोगे गए फिर तुम यार, कुछ चीजें अनुभव से भी सीख लो ना। होता क्या है मैं बता रहा चाहता हूं, जीवित मरना क्या चीजें समझाता हूं और उस तरह मरने में क्या होता है वो बताता हूं। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोए, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना होए, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। वाह, नानक देव जी भी कह रहे हैं जीवत मरिए भौजल तरिए, अरे जीवत क्या फांसी लगा के मरेंगे, नहीं टेक्निकल बात है,
आखिर क्या है यह जीवित मरना? कबीर साहब भी कह रहे हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं। वाह, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। बोला गुरुदेव ने मुझे मरकर जीना सिखा दिया। मरकर जीना, आइए हम बात आपको बताते हैं क्या होता है। पर ये कोई जिद से नहीं होगा, ये संयम सबूरी से होगा। अंदर की दुनिया में अब आगे साहब क्या करें, अधर दरियाओं धसे कोई मिलिया, जन्म मरण का गम बनाई वो मोती निकाल के लाता है। अधर दरिया क्या है? अधर दरियाओ, दरियाओ किसको कहते हैं? समुद्र को। किसको कहते हैं? पंजाबी में बड़ा असीम दरिया है, सागर कहते हैं, सी कहते हैं। अधर दरिया धसे कोई मिलिया, जन्म मरण की गम में आई, जैसे जीने मरने की कोई चिंता नहीं। अगर ये सीख गया तो आगे साहब क्या करें, धीमर जाल डाल का करी है जब मीने हो गया पानी। धीमर कहते हैं मछुआरे को, मछुआरा उस मछली को क्या पकड़ सकता है जो पानी बनने की कला सीख गई है। जो पानी बनने की कला सीख गई है मछली, उसको मछुआरा पकड़ सकता क्या? नहीं पकड़ सकता, वो तो पानी बन जाएगी। तो इस तरह होता क्या है, जो जीते जी मरना संतों ने कहा, उसमें बॉडी में ताकत रहती है, बाकी वैसे जो मर गया पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कैसे? जो ऐसे मर गया उसका खून खत्म हो जाता है, खून खत्म होने के बाद पूरे सेल खत्म हो जाते हैं। हमारे सेल भी तो ब्लड से है ना, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से ही सेल खत्म हो जाएंगे, टेक्निकल बात है। उसका क्या होगा मैं बताता हूं। भाई आपका मोबाइल है, ऑफ करने के बाद भी टाइम क्लॉक जो है वो चल रहा है कि नहीं? बबलू क्यों चल रहा है? अभी तुम कैसे हो? ये बच्चे को फिट्स का बीमारी थी बहुत जबरदस्त, ठीक? कितनी? इसको दिन में 8-10 बार फिट्स आती थी। इसके माँ बाप बहुत, इनका पिताजी फौज में है, के सिंह। जितना अपनी संगत के नाम ठाम ठिकाने मैं जानता हूँ, कोई गुरु का बच्चा नहीं जान सकता, ठीक ना? क्यों मैं बंजारे की तरह घर घर घूमता रहता हूँ? बोधराज आपके घर आया नहीं आया? आपके घर आया कि नहीं आया? जिन जिन के घर में गया हूँ कृपा करके हाथ खड़ा करिए, वेलकम। देखा कितने लोगों के घर में मैं गया, इतने घरों में कोई जा ही नहीं पाया हो। ये आध्यात्मिक संस्था है। अगर मैं कहूंगा कि आओ बीमारों मैं ठीक करूंगा, तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। सिर्फ बीमार आएंगे, इधर कोई भक्ति वाला आएगा ही नहीं, मैं अपने मिशन से भटक जाऊंगा। जो मुझे खास काम है मैं उससे हट जाऊंगा फिर, इसलिए ये दावा ही नहीं कर रहा हूं मैं। पर इतना कह रहा हूं, सकल रोग की औकत ना हो, सभी बीमारियों की दवा नाम है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मोरो यार फकीरी में। जब इंसान सुमरण में जाता है
जब आदमी मर जाता है तो क्या हो जाता है, उसका पहले ब्लड खत्म हो जाता है। कभी भी मरे हुए आदमी का एक एक टुकड़ा चीर कर देखना, ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, ब्लड खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो ध्यानावस्था में निकलता है तो ब्लड खत्म नहीं होता है, शरीर की एनर्जी खत्म नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, इंडा पिंगला को लय करके जब वो सुषुम्ना में चला जाता है, क्यों बिना भोजन के भी काफी समय रह सकता है, लोग ये कह रहे हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं दे रहे। जब एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हो रहा है तो आदमी समझ नहीं पा रहा है, थ्योरी नहीं समझ पा रहा है। जैसे अभी इन्होंने, मैंने इनसे पूछा 760 करोड़ पर 125% भारत के लोग हैं तो क्या परसेंटेज हुए। जब भी परसेंटेज नहीं मालूम होता है तो 1/100 का किया जाता है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक एक फार्मूला है, नहीं है इस तरह से एक फार्मूला है। वो क्या है, जब इंसान ऐसे मर जाता है तो उसके प्राण सडनली निकल जाते हैं। प्राण निकलने के बाद क्या होता है, मौत के टाइम क्या होगा वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपकी आवाज रुक जाएगी, ठीक है, जैसे जिसको सांप काटता है तो सबसे पहले क्या असर पड़ता है, सांस लेने वाली नाड़ी जो है वो ही पहले उसको वो पॉइजन दबा देता है, पहले उन नाड़ियों पर हमला कर देता है, नहीं तो नेट में भी देख लेना। तो आदमी श्वास नहीं ले पाता है, श्वास ताकत है शरीर की, जब श्वास नहीं ले पाता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है और बॉडी भी नहीं हिलती है, बॉडी एक्टिव नहीं हो पाती है, मर जाता है। अब जब श्वास नहीं ले पाया तो ब्लड खत्म हो जाता है, उस समय उसको सुई, जैसे ना सुई लगती है ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, जैसे सुई लगती है ऐसा लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 20,000 फीट तक बिना ऑक्सीजन के पहाड़ पर चढ़ा हूं लद्दाख में, 20,000 फीट, उसमें हम 10-12 आदमी जा रहे थे, तो कुछ दूरी पर जाने के बाद कुछ लोगों को चक्कर आया, तो कमांडर ने कहा भाई तुम नीचे जाओ अभी, यानी ऑक्सीजन कम हो गया। इस तरह से हम 12 आदमी में से सिर्फ 2 आदमी वहां पहुंचे, एक वो भी पीछे रह गया, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन कम होगी उसकी पहली पहचान बताता हूं, आपके शरीर में सुइयां लगने लगेगी। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोड कहां है, चांगला टॉप, देख 17,000 कुछ स्क्वायर फीट पर है, स्क्वायर नहीं हाइट। जब 71 की बात है, एक्लिमेटेशन करने के बाद ले से 7 दिन वहां रुकते हैं, ले में थोड़ा ऑक्सीजन है पर कम है, डायरेक्ट वहां जाएगा आदमी हार्ट फेल हो सकता है, इसलिए एक्लिमेटेशन करते हैं, वहां 7 दिन रहते हैं पहले, ताकि धीरे धीरे हमारा शरीर ऑक्सीजन की कमी को ऑब्जर्व करे। तो जब वहां से हम 7 दिन रहने के बाद ले से आगे जा रहे थे तो चांगला टॉप क्रॉस करके टांग से जाना था, वहां हमारी लोकेशन थी। तो हमें पहले ये कहा था कि गाड़ी में कोई सोना नहीं, कमांडर ने, लेकिन ये नहीं बोला गाड़ी में क्यों नहीं सोना, क्या हुआ, गाड़ी में क्यों नहीं सोना। जब हम लोग चले, उस समय मेरी भी उम्र कम थी, छोटा था, 20 साल का था, तो हम करीब 20 आदमी पीछे 3 टन में बैठे थे, कमांडर आगे था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब हम 15,000 स्क्वायर फीट के ऊपर पहुंचे तो मैंने देखा गाड़ी में सब सोए हैं,
गाड़ी में सब सोए हैं, लेकिन मुझे लगा मेरे शरीर में सुइयां चुभना शुरू हो गई, मैं जान गया ऑक्सीजन कम। ऑक्सीजन ही तो हमारे शरीर में ब्लड बना रहा है ना, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो मैंने सबको जगाया, उठो सो नहीं, ये नींद नहीं है ये मौत है। सोने के टाइम पर आदमी की सांस लेने की क्रिया कमजोर हो जाती है और जागने के टाइम पर ठीक होती है, इसलिए सोना मना किया था कि आदमी मर सकता है वहां ऑक्सीजन की कमी। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, मोनोऑक्साइड का असर भी यही होता है। जब कोयला जलता है, कोयले में सबसे ज़्यादा मोनोऑक्साइड है, वो पॉइजनिस्ट है। तो पहले आदमी को एक खुमारी आएगी, हल्की 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 मदोशी आएगी, वो नहीं समझ पाता है। एंड में ऑक्सीजन पूरा खत्म होने के बाद उसकी जब मौत होगी, बोल भी नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, हिल भी नहीं पाएगा। मोनोऑक्साइड का यही इफेक्ट है, यही ऑक्सीजन की कमी का इफेक्ट होता है। क्योंकि मोनोऑक्साइड, जब कमरे में सिगड़ी जल रही थी तो गर्मी के कारण पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया। मैं आपको एक प्रैक्टिकल और उदाहरण देता हूँ। मैं अपने कमरे में कभी एसी नहीं लगाता, मैं उस कुल्ले में 25 साल रहा, कभी एसी नहीं लगाया, मैं एसी से चिढ़ता हूँ। पर बाद में लगा दिया एसी लोगों ने, ठीक है। अब आप जब एसी से बाहर निकलोगे ना, तो बाहर का वातावरण सह नहीं पाओगे। हम जो भी आपको फार्मूले बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो, सुनिए। इस तरह क्या होता है, पूरा जब प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाती है तो आदमी पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है शरीर का, तो ब्लड खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अगर कंसंट्रेशन से जा रहा है तो उसका ब्लड खत्म नहीं हुआ है, उसका सिस्टम स्टॉप किया गया है। जैसे भाई आपका ऑन होल्ड रख दिया ना फोन, तो कनेक्शन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, लेकिन बातचीत नहीं होगी। आप कभी कभी फोन को ऑन होल्ड रखते हैं ना, तो आपका कनेक्शन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, लेकिन बातचीत नहीं होगी। आप उसको क्लिक कर दोगे तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा आपका कॉल। इसी तरह से जब आदमी इंडा पिंगला को लय कर देता है सुमरण से, सभी वायुओं को समेट करके शून्य में आ जाता है। इसी पर कबीर साहब ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। साहब कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुखमन बूझे आप ही अलग लखाए, नानक देव जी बोल रहे हैं। और साहब भी कह रहे हैं, इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओम सोम तत्व विचारा, बंत नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। आप उस समय चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस समय आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी खुली। सुषुम्ना नाड़ी क्या खुलनी है, एट ए टाइम पर हमारी एक नाड़ी चलती है, एक बंद होती है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ, ये चल रही बंद है, ये कोई बनावट नहीं किया मैं, आप भी देखो। अब देखो मैं इसको खोल दूंगा, खुले ना, पर अभी पूरी नहीं खुली, पहले से फर्क है ना, बराबर हो गई ना, पहले एक थी ना। इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नहीं रहे ठहराई, ये कंसंट्रेशन से खुलती है। वो गफलत नहीं, होशियार देखना, कंसंट्रेट रहे। अगर आपका एक पल भी श्वास नीचे आ गया, ध्यान श्वास आपका इतनी देर जो बैठे हुए थे पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप नहीं निकल पाएंगे, अब फिर नहीं उठ पाएंगे। तो साहब कह रहे हैं चंदौड़, अब साहब क्या कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, कह रहे सूरत कंसंट्रेशन के दंडे से पवन को घेरना, और पवन में मन है इसलिए पवन चंचल है और मन चंचल है, ठीक है। आप जब तक इस आपके शरीर में प्राण है आप एकाग्र हो ही नहीं सकते हैं,
आपकी धड़कनें चलती रहेगी, आपका श्वास चलती रहेगी, आपके पूरे अर्गन काम करते रहेंगे, तब तक आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये अहंकार क्रिया है। इसलिए इसको मृतक अवस्था कहा, मृतक हो के पाए संता, इसको मृतक अवस्था कहा। इसमें आदमी डर जाता है। अभी जैसे ये सांस में सूरत, आगे साहब क्या कह रहे हैं पता है, कभी ये खेल सेन गुंगा तणी जानी है संत सो नाही जुआ। कह रहे हैं ये संत जानते हैं, ये अगाध खेल है गुंगा, जागता जागता जाग कर देखिया, सोवता सोवता सुख सोया, खोवता खोवता खोए सारा दिया, रहा सो कहन में नहीं आए, अर्ध अगाध कोई साध भल पाइए, जास के खेल प्रकट होई, कहे कबीर ये खेल प्रतीत का, बिना प्रतीत क्या कहे कोई, रैन दिन संतियों सोवता देखिए, संसार की तरफ से पीट दिया। वो आप देखते संतों को जागते हुए भी ऊपर की तरफ ध्यान खिंचाए, यानी उनका कंसंट्रेशन अजपा में आ गया, ठीक है, जब अजपा में आ गया तो वहाँ एकाग्र हो गया वो, मन और पवन फिर फूट चाले नहीं, चंद और सूर्य को सम किया। कोई बता सकता है, कह रहा है मन और पवन फिर फूट चाले नहीं, मन और पवन फिर अलग नहीं होते। आगे क्या कह रहे, चंद और सूर्य को सम किया, कौन बताएगा? हाँ क्या किया, इन दोनों को समान कर दिया, यही सुखमनी साहब है, ठीक है, नानक देव जी ने कहा ये सुषमना। टकटकी चंद और चकोर की रहत, सुरत और नरत का तार बाजे, अब अगला आदमी क्या समझेगा, समझेगा? नौबत तहां रैन दिन शून्य में धुरत है, कहे कभी सो गगन गाजे, पांव और पलक की आरती कौन सी, रैन दिन आरती संत गावे। बोला दो मिनट स्मरण किया फिर छोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई? कह रहे तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा, जागता सोवता खावता पीवता, कहे कबीर सो रहे माए, फिर वहां से हटता ही नहीं है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जहां नेव बिन देहरा, क्या है नेव बिन देहरा, देव निर्माण है गगन के तत्व युक्त सारे, जहां नेव बिन देहरा, देहरा कहते हैं मंदिर या घर या स्थान को, बिना नींव के हैं अधर में, गगन के तख्त पर युक्त सारी, कहे कबीर तह रैन दिन आरती, बातियां पांच पूजा उतारी, साई आपकी सेव तो आप ही जानिए, आपका भेद कुछ कौन पावे, आपनी आपनी बुद्धि उन्मान सो वचन बिलास कर लहर लावे, तू कहे तैसा नहीं हो सो नहीं देखिए, निगम और कहत नहीं पार आवे, कहे कबीर ये सैन गुंगतनी गुंग होए सो सैन पाए। इसके बारे में कोई बोल नहीं सकता है, गुंगा सैन सैन आई, श्वास और श्वास पर गुदड़ी सीवता, सूरत की सुई नहीं अंत जाई, वाह श्वास और श्वास ना और सूरत की सुई नहीं अंत जाई, क्या मतलब है, अंत कहते हैं अलग, ध्यान अलग नहीं हो, तन रहते मन जाते हैं, मन रहते तन जाए, तन मन जब एको रहे हंस कबीर कहा है। इसलिए उस अवस्था में फिर वो दुनिया को याद ही छोड़ देता है। मैंने आपको एक बार बोला था, मुझे ये भी नहीं पता था, मैंने इतना अपने चित्त का अनुरोध किया, मैं कहाँ जन्म हुआ, मेरी माँ की शक्ल कैसी है, मेरे कितने भाई हैं, मैं कौन था, ये सब एक भ्रम है। जब आदमी आत्मनिष्ठ हो जाता है ये सब भूल जाता है और महान चेतन अवस्था में पहुंच जाता है। पर अब आपको जनानी भी चाहिए, घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, लाड़ दुलार भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, इंद्रियों का मजा भी चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन भी चाहिए, तो भैया एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न काम। अब यहाँ समस्या आई, सेठ जी बात समझ में आ रही ना, पहला पक्ष साहब ने ये कहा है, अब साहब क्या कह रहे हैं,
नहे रहे श्वास और श्वास पर गुदड़ी सीवता, सूरत की सुई नहीं अंत जाएगी, फिर एक भी पल नहीं हटते हैं वहां से, अजपा बन जाता है। अजपा का मतलब है श्वास खुद से चलेगी और तुम चाहे ध्यान नहीं दो भजन होता ही रहेगा। अजपा आपकी टांगे भी हो जाती हैं, कुछ सोचते जा रहे हो टांगे खुद उठती हुई जा रही है। अजपा तो आपकी श्वास भी हो गई, आप तमाम काम कर रहे हैं लेकिन श्वास की क्रिया कर रहे हो, कर आप ही रहे हैं। पुरुष के सेवते पुरुष ही होते हैं, नारी के सेवते नारी होई। पुरुष के सेवते परम पद पा दिए, नारी के सेव नहीं मुक्त कोई। वाह, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे उसकी डूबदा जाए। कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। देखो साहब क्या कह रहे हैं, पुरुष के सेवते पुरुष ही होते हैं, परम पुरुष की भक्ति करने से परम पुरुष रूप भी हो जाओगे। नारी के सेव नहीं मुक्ति हुई, नारी के सेवते मुक्ति नहीं होगी। पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है वो मोक्षदायी है, और नारी के कलत प्रपंच सारा। जो इस दोहे का अर्थ बताएगा उसको 5,000 रुपये अभी इनाम दूंगा। पांचों इंद्रियां भी माया रूपी हैं, अच्छा खाना भोग करना, विषय करना, फिल्में देखना, इंद्रियों का आनंद देना, संगीत का मजा लेना, अगर ये करोगे तो फिर बॉडी में आ जाओगे। ठीक है, बारीक है ना ये बात। यह है नारी की सेवा, ये देही नारी रूप है, और इसमें वो क्या है, पांचों इंद्रियों का मजा। इसी में तो दुनिया फंसी है। 2,500 दूंगा क्यों मतलब, वो भी उधार लेकर दे दूंगा, पंडित ले आ दुकान से। शाबाश, उसे लेकर रख दिया था पास, बाद में दूंगा। मेरा पिए देखा ये कोई साधन भजन नहीं करता है, बोलता है हमारी दो ही ताकत है, जो साथ रहते हैं, जो विकरण मिलता है, और जो बचा हुआ कापी लेता हूँ वही हमारी ताकत है। रमणीक, मैं 5,000 देने में कोई दुखी नहीं होना, आप हमारे हो, जाएगा कहाँ, हमारे पास ही तो कोर्ट की मिट्टी कोर्ट में। ये नाम है, सुनो वापस देना उनको। इस तरह अगर तुम इसमें उलझोगे, इसमें उलझोगे फिर तुम नारी यानी फिर देही मिलेगी। ये नारी है, ये देही नारी है, क्योंकि प्रकृति का 5 तत्व प्रकृति है ना, तो देही 5 तत्व की बनी, इसलिए इसको नारी कहा। इसलिए पूरा जगत नारी रूप है, पुरुष केवल एक साहब है, क्योंकि इन सबसे परे है या संत जन है। नानक संत अकाल सदाई, सारा बाकी पूरा झमेला ही ये प्रकृति का है। अच्छा खाऊं ये मुंह जा रहा है, अच्छा देखो ये आंखें जा रही है, अनचाहे भी मैं कह रहा हूं प्रथम चक्षु इंद्र को साधो। लोग जाते हैं देखते कौन स्त्री कैसी है, कैसे उसकी लतें, कैसा मुखड़ा, ये सब तुम्हें उलझाना, पूरा ये चित्र बनता जाएगा तुम्हारे दिमाग में। प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। मुझसे एक आदमी ने पूछा आत्मज्ञानी की पहचान क्या है, मैं बोला आत्मज्ञानी की पहली पहचान किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं ले रहा है, समझना ये बंदा कोई मामूली नहीं है। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज, कोई किसी को लंबा टाइम बेवकूफ नहीं बना सकता है। मुझे याद है एक दो देश हैं उनकी आपस में बड़ी दुश्मनी, जैसे पहले अमेरिका और जापान की कट्टरता थी, जापानी कभी अमेरिकन लड़की से शादी नहीं करेगा, कुछ भी हो जाता था, ऐसे वो देशभक्त है। लेकिन वो राष्ट्रपति बना जो विरोधी देश का नागरिक था उस देश में, अचानक कुछ समय बाद उसके मुंह से उस देश की लैंग्वेज निकल आई। चाहे आप अभी कितनी भी हिंदी अंग्रेजी के मास्टर बन जाओ ना, डोगरी निकलेगी निकलेगी। प्रदीप क्या ख्याल है, कभी ना कभी आ जाएगी कि नहीं जबान पर? हाँ, ऐसा क्यों, हमारा चिंतन मातृभाषा का है, वो आएगा ही आएगा।
इस तरह तब वो समझ जाता है कि दुनिया कैसे फंसी है। जब वो पलट वजूद में अजब विश्राम है, जब वो अपने रूप में आता है, इतना आनंद है, उस आनंद को ब्रह्मानंद भी कहा है, आत्मानंद को सहस्रारति आनंद। सहस्रारति आनंद का मतलब है संभोग के आनंद से हजार गुना ज्यादा। अब साहेब जान कह रहे हैं, नाम ही नाम तहां सदा विश्राम है, रैन दिन जाम जहां बजे बाजा, यानी वह हमें आनंद है। कहे कबीर तहां पीर संग खेलना, सकल देवासर देवराजा, समस्त देवताओं और समस्त ब्रह्मांड का अनंत वो स्वामी, उसके साथ रहना आनंद ही आनंद है। गगन की गुफा को साफ कर पवन से, गुरु शरण जी ये क्या बोल रहे हैं साहब, गगन की गुफा को पवन से साफ कर, दम में ले अजूबा, भंवर गुफा, ईंटा पिंगला के बीच में शिष्मना, तो कह रहे हैं वो भंवर गुफा है, इसको कैसे साफ कर, यहाँ कफ जमी हुई है, रास्ता ब्लॉक है, श्वास से यानी सुमरण से इसको साफ कर, खुल जाएगी। कैसे संकेतों में बोला है सेठ जी, मैं अभी आपको एक बात बताऊँ, आज मुझे एक लड़का वीडियो दिखा रहा था, बोला गुरुजी ये महाराज साहेबंदी की साहेबंदी कर रहा है। मैं बोला भैया मैंने पहले ही बोला था मैंने आज से 10 साल पहले बोला था कि एक टाइम आएगा, रुक जाओ, कि लोग कहेंगे असली साहेबंदी वाले हमें ये नकली है, जिन्होंने ये मेरे मुंह से सुना हुआ हाथ खड़ा करो, ये 20 साल पहले बोला था, अभी वो सामने आ रहा है। वो इतनी चालाकी से घड़कर बोलेंगे, मैं उसको कहा वो बैठाएगा लंगूर कैम्प का चौधरी, नहीं नहीं वो मास्टर हीरो मास्टर बैठाएंगे, हाँ इन्होंने दिखा सर, मुझे कह रहे थे इन पर कार्रवाई करो, मैं बोला क्या कार्रवाई करना, ये उनकी टेंशन है, मैं मस्त हूँ, इसको गुस्सा आया और साथ में पुत्रों को भी चुमा चाटी कर रहे हैं ना, और चार जगह पर चार अलग अलग कुर्ते और ड्रेस, ये आकर्षित तो हैं। जब इंसान खूब सस्ता सवरता है, उसका एक ही लक्ष्य है किसी को आकर्षित करना, इससे उसकी बॉडी लोंगे से नहीं, जब बदमाश है थोड़ा तन के चलता है नहीं पता चल जाता है, कहते नहीं भैया खान पान और बोल चाल से आदमी को जाना जाता है, बैठ जाओ। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कहा साहब जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन छप्पर के नीचे बैठना है, छप्पर के नीचे ही नहीं हो तो कहा क्या फाड़ के दोगे, ये बंदा हीरो है, खड़े हो जाओ हीरो जी, बंबई में रहता, आजकल क्या हो गया है बंबई में भी बड़ी कंपटीशन है, साहब ने खाता खोला कहाँ से इसको हो सकती है जुगाड़, तो देखा जुगाड़ इसकी यही है, साहब ने घुमा फिरा करके नौकरी का ऑफर खुद आ गया ना, देंदा दे लेंदा थक जाए, तू देंदा नहीं थकता, जुगाड़ युग देना है ना, उससे ज्यादा मत मांगना, जब ज्यादा मांगोगे तो तुम में लोभ आया कि ये दुनिया में सुख लूं मजा लूं अच्छी तरह से खाऊं पीऊं, तो तुमने मांगा ही तो माया। तो साहब क्या करें, कहत कभी कब नहीं दिया, देते देते इत्तत बढ़ किया, अमृत अमृत कहा तो अमृत दीना, विष मांगा मैं विष भी दीना, अब मांगे क्या क्या, यही ना पुत्र को नौकरी मिल जाए घर बन जाए सभी चीजें ठीक हो जाए और रुपया पैसा हो जाए, ये सजा तो निरंजन को है, शरीर तंग है तो निरंजन तंग है, वही करता वही भोगता। तो आपके पास ये दीन गरीबी बंदगी, साहब क्या बोले, उस दुख को सौ बंदगी, वो दुख उसको मैं 100 बार सलाम करता हूं जो साहेब की लाए याद, उस दुख माथे उस सुख माथे सिल पड़े जो नाम ही देख भुला, बोला मैं उस दुख को 100 बार नमस्कार करता हूं, कम से कम वो साहेब की याद तो जला देता है, उस सुख के ऊपर सिल पड़ जाए जो नाम ही भुला दे, इसलिए
आर्यन हिम्मत विसारियन साहिबा, तो आपके पास ये रास्ता है। इस तरह अगर आप चाहते हैं तो ये काम बड़ा आसान होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। पहला मेरा एम ही यही था, तो फिर यह है मैंने जो शब्द बोले उनका पालन करना, गुरमुख बनना फिर तर जाओगे, गुरमुख ला लेंगे। दोनों रास्ते हैं, वो कैसा? मैंने कहा मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्रीगमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना और सत्य बोलना। अगर आप इससे डाउन गए फिर अंतःकरण गंदा हो जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान रखना, गुरु आज्ञा नरकत चले, जैसे फिर तुम इससे डाउन हुए तो तुम्हारा अंतःकरण गंदा होने लगेगा। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होए उसको काल घसीटे राख सके ना कोई। इसलिए सेकंड वे है, चलो बाल बच्चों में रहो, घर की जिम्मेदारी भी देखो साथ में और हिदायत दी, सुमरण भी करते रहना, सेवा भी करना और भाव भी रखना, सेवे जय आप ही बख्शे। इस तरह मैंने ये एग्जांपल कई बार दिया कि पहले मैं जब जाता था यूपी तो ये सन 90-89 की बात है, तब यहाँ भी संगत कम थी और गुरुदेव 88 में शरीर छोड़ चुके थे, मुझे भंडारा करना पड़ता था तो 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता था, उस समय बहुत होते थे तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं दिल में सोचा भंडारा कैसे करूँगा, अच्छा ठीक है। इतने में डीसी साहब के यहाँ गया तो डीसी साहब की पत्नी ने यहाँ से 5,000 रुपये 50-50 के नोट घंटी निकाल के दिए। मैं उनकी खोपड़ी पर देखा, साहब करते बोला ले लो। अब साहब ने ऊपर से फेंकना था तो वो नकली डुप्लीकेट नहीं हो जाते, साहब नकली फगली काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, पूरा हिसाब से चलते। तो मैं सोचा इस माई को भी कुछ पता चल रहा है, मामला क्या है। मैं बोला बहन जी ये 5,000 रुपये क्यों दे रही हो? बोला साहब जी सच्ची बताऊं? मैं बोला हाँ। उसने बाएं हाथ की मुट्ठी खोली, बोला आपको ये 500 रुपये देना था भंडारे के लिए, लेकिन ये कोई अंदर से कह रहा है दे दो दे दो दे दो। बोला मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, ये कोई दे रहा, आप एक अंडा तोल तराजू आप ही तोलना। जिंदगी में करिश्मे ही करिश्मे देखता रहा हूँ, इसलिए मैं अपना ना बॉडीगार्ड लेता हूँ ना बाकी फिक्र करता हूँ, खाली हाथ भी चढ़ पड़ता हूँ कहीं। आप नहीं तो सोचो मेरा ब्लड 5-7 ग्राम रह गया था, मैं अमेरिका चला गया, किसी के साथ कोई जाएगा 100 बार सोचेगा, मैं सोचा ही नहीं। ब्रिटेन की यात्रा करके आया, उसी ड्यूरेशन में पूरी दुनिया घूम के आ गई विदाउट बॉडीगार्ड विदाउट हेल्पर। तो कहने जब आपके शरीर में शुगर कम हो जाएगी तो आपको चक्कर आएगा, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ब्लड कम हो जाएगा तो भी अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नाजुक दौर होता है, तभी भी फिक्र नहीं। जय तू राजदेव तेरी बढ़ियाई, भीख मंगाए तो की घट जाएगी। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा, जिस हाल में तू राखे बस उस हाल में मजा है। फिर मैंने क्या कहा, सत्य टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, क्यों? तुम्हारी आस्था खत्म हो जाएगी। फिर ये पालन करना, दो बातें। तीसरा क्या कहा, चलते फिरते भी सुमरण करते रहना नहीं तो सूरत कुंद हो जाएगी। चौथा क्या कहा, कम से कम आधा घंटा ध्यान में बैठना। पांचवा क्या कहा, सेवा, ये तन मन धन से हो। परम पुरुष ने एक भी आश्रम ऊपर से लहराता हुआ नहीं भेजा है, सब आपने बनाए, इसलिए गुरु की सेवा गोविंद की सेवा कही। माध्यम आप बनो, सिर्फ आप माध्यम बनेंगे, देगा साहेब, करता धरता आप ही आपा, पलटू पलटू शोर पलटू पलटू शोर साहेब याही में राजी। तो गुरुमुख बनने का मतलब यह है, गुरमुख लाहा ले गए, इस पर चलना फिर बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन इससे डाउन आए फिर गारंटी नहीं है, बात सफा है ना। इसलिए बच के चल।
संभल के चल, तब काम बन जाएगा। इसलिए डरना, जिसने एक बार मांस हड्डी चबाई वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता है। भय के कारण ही तो नहीं खा रहे ना अभी। तो साहब कह रहे हैं भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। इसलिए अंतःकरण को अशुद्ध नहीं करना। और सुरती कैसे जोड़ना, दिन में 10-12 बार पूरे ध्यान से साहब का ध्यान कैसे करना, गुरु का पानी पीना है सिर्फ, ऐसे नहीं साहब, नहीं पूरा ध्यान करके एकाग्र कर, यही है एक आइडिया। सुबह उठ तो पहले अपना पैर जमीन पर रखकर सुरती कर गुरु की और स्मरण करके रखना। दिन में 6-7 बार पानी पीते हो, इसी बार 6-7 बार ध्यान लगा रहेगा। दिन में 6-7 बार खाते पीते हो तो 6-7 बार यही ध्यान बना रहेगा। ये फर्जी नहीं हो, एकाग्र होकर के करना है। तो इस तरह गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी, जसन त्वा राखत ढोड़ी, काम बन जाएगा। अंत में ऐसा बचा कच्चा जी विचलित हो जाए। अगर तुम फिर बुआ जाती भी मान रहे हो, फलाना भी मान रहे हो, उधर भी इधर भी चारों तरफ गुलाटियाँ खा रहे हो, कह रहे हो साहेब साहेब, ऐसा मत करना। पहले कुल मर्यादा छोड़े। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। रसिया यूक्रेन से एक आदमी आया, शादीशुदा था, तो मुझे क्या बोला पता है, बड़ा गजब बोला। बोला देखो पहले मैंने ईसाई रस्म से शादी की, अभी मैं साहेब बंदगी हूँ, मेरी बीवी भी अब आपके द्वारा शादी करूँगा। दो बच्चे थे, मैंने कहा यार ये कैसी शादी है, बोले वो कल गया। वो मेरे पास आए, पता है यहाँ कितने दिन रहा, वो 20 दिन रहा। उसको मैंने कहा रोटी अपने हिसाब से खाना, आपके घर मेहमान 4-6 दिन रहे तो उसके बाद आपका पहले मुस्कुराते हो 1-2 दिन, फिर चुप हो जाओगे, ज़्यादा रुकेगा फिर भूथा भूल जाएगा कि जाग क्यों नहीं रहा। अपन ऐसा नहीं करेंगे। वो मुझे पूछा कि मैं यहाँ कैन आई स्टे हियर फॉर 10 days? मैं बोला भाई 10 days फॉर एवर यू कैन स्टे हियर, दिस इज योर्स। तो अगली बार वो आया, 1 महीना रुक कर गया, परमार्थी है ना, और वो कमरा बंद करके ध्यान में ही रहता है। अभी आया, वो बीबी को भी लेके आया, 2 बच्चे, बच्चे इतने शरारती थे कि पूछो मत, कितने शैतान है। लेकिन मैं तभी भी नहीं बोला, इतनी दूर से आया शांति की तलाश में, ये आपका है। तो बंदो इस तरह साहब ने यहाँ पर ये कहा, या तो कुछ कर नहीं करे, या गुरु पार उतारे ना। अब गुरु पर छोड़ दो, वो नाम की ताकत तुम्हें पार कर देगी। तुम्हारे साथ में नेविगेटर लगा रखा है, वो आपको हर वक्त बताता जाएगा जहाँ गलत जाओगे, नेविगेटर कहेगा डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, बस वहाँ संभलना। भाई कहीं अगर रैम्बल स्ट्रीप है तो वहाँ आता है, हाँ जाने दो मैडम को, आइए आइए आइए, कॉशन पहले बोर्ड लगा, कॉशन स्ट्रीप ब्रेकर 100 meters अहेड। वहाँ ड्राइवर का क्या काम करना है, अपनी स्पीड पर ब्रेकर लगाना है, कम करना है, नहीं तो एक पुल से गाड़ी गिरी थी, ट्रक 25 फीट नीचे, ड्राइवर भी क्लीनर भी मर गया और उसमें लाखों का सामान भी बर्बाद। उसने कॉशन को पासे भी किया, बस आपको अंदर से गुरुशरण ठगी करने जाएगा तो अंदर से पहले आएगा, ये पैसा तुम्हारे को नुकसान पहुंचाएगा, मत खा। जैसे पैसे का धन खाओगे वैसी अकल बनेगी। आदमी अभी बेईमान क्यों हो गया, छल कपट क्यों करने लगा, क्योंकि वही दाना खा रहा है, बच्चे भी छल कपट करने लग गए, वही दाना उसके पास आया। इसलिए हक की कमाई खाना, इन नियमों का पालन करना, इस संसार को स्वप्न मान के चलना। बस कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। घर में रहकर भी आप एक महात्मा का जीवन जी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साहब कह रहे हैं 100 सदगुरु में भावे, जो भोग में योग दिखाए, यह है सहज मार्ग। ग्रस्त में रहकर भी इंसान उस परम सत्ता की प्राप्ति कर सकता है, बशर्त वो गुरुमुख बने। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको देने में क्या लगता है मेरा। साहब मुस्कुराए, फिर क्या बोले पता है, तेरा तो कुछ भी नहीं, तेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो मेरा, मेरा ही मुझको देने में क्यों धड़के दिल तेरा।
तो भैया ना तन से सेवा, न धन से सेवा, न मन से सेवा, जो गुरु सेवे अपना हो तिस बलि हरे जावा। अगला प्रोग्राम 6 जनवरी, तो 31 दिसंबर याद रखिएगा, बहुत विशाल प्रोग्राम, लास्ट चांस, वहां पर करीब 1,00,000 लोग आए थे। साहेबा तेरी दया के बिना, मेरे साहेबा तेरी दया के बिना चले नहीं जहां, मेरे साहेबा एक तेरे बिना, मेरे साहेबा तेरे बिना, और कौन है मेरा, मेरे साहेबा तेरी दया के बिना, मेरे साहेबा तेरी दया के बिना चले नहीं। जिसका ध्यान धरूं, जिसको पूजूं मैं, जिसका ध्यान धरूं, जिसको पूजूं मैं, जिसका ध्यान धरूं, जिसको पूजूं मैं, जिसका ध्यान धरूं, मेरे साहेबा